महेश निजामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां सारा देश हैदराबाद में एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों की खुशी मना रहा है, मगर अब ऐसे में एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या अब ऐसे ही न्याय प्रक्रिया चलेगी? लोगों को इसी तरह एनकाउंटर से इंसाफ मिलेगा? मुंब्रा शहर में भी हैदराबाद एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव सैयद अली भाई साहब ने इनकाउंटर को देश के लिए सही बताया है, तो वहीं जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने इस इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां हैदराबाद पुलिस ने जानकारी साझा की है कि आरोपियों ने पुलिस पर पत्थर चलाए, हथियार छीनकर फायरिंग की और भागने की कोशिश की, उस वक्त पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपियों को ढेर कर दिया। पुलिस वालों को गोली नहीं लगी, मगर दो पुलिस वाले घायल हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि चारों आरोपियों को सबूतों के आधार पर पकड़ा गया था, मगर आज जैसे ही खबर इनके इनकाउंटर की लगी, लोग खुशियां मनाने लगे। इसी बीच सांसद मेनका गांधी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने, ऐसे और भी कई लोगों ने इस तरह इनकाउंटर पर सवाल खड़ा किए। देश में कानून है और अपराधियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव सैयद अली भाई साहब हैदराबाद इनकाउंटर को देश के लिए सही बता रहे हैं, तो वहीं जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। भाई साहब, जिस तरह से हैदराबाद में घटना हुई थी, उसके बाद जिस तरह से आज उन आरोपियों को इनकाउंटर करने की घटना सामने आई है, तो ये कहाँ तक सही है? और जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि उन्होंने पहले हथियार छीने, उसके बाद जो है पुलिस को मजबूरी पे जो है उनका इनकाउंटर करना पड़ा। देखिए, इसमें दो चीज़ें आ रही है। एक तो ये है कि जो इनकाउंटर हुआ उससे देश में उल्लास, मतलब खुशी का माहौल पैदा हुआ कि इतना जल्दी जस्टिफाइड हो गया। तो और कहीं ना कहीं फिर इसके ऊपर एक शक ये बढ़ता है कि इतना फास्ट कैसे हो गया, और वो चार लोग थे पुलिस के सामने, कैसे भागे, पत्थर मारे और पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। अब बात कहाँ आ जाती है? न्यायपालिका पे आ जाती है। न्यायपालिका का जो रोल है वो इतना लंबा खसकता हुआ रोल है, निर्भया को अभी तक नहीं इंसाफ मिला। आप देखिए कि यूपी के अंदर जो है एक बच्ची का रेप होता है, उसके बाद वो बच्ची न्यायालय के लिए जाती है, उसके वो जमीन पे छूट जाते हैं, उसके बाद जमानत पे छूटने वाले लोग ने उसको वापस जिंदा जला दिया। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जाना तो चाहिए न्यायपालिका के माध्यम से, जो हमारा संविधान कहता है, लेकिन जिस तरीके से इसकी इतनी लंबी प्रतिक्रिया, इतना खींचतान कि आदमी एकदम आसानी से जो है इसको ले रहा है, बड़ा टेक इट इजी गारंटी ले रहा है, लेकिन जो अभी हैदराबाद में हुआ, इनकाउंटर हो गया, अब इसके बाद कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। इनकाउंटर हुआ, अगर ये इनकाउंटर किसी दूसरी चीज़ पे होता तो कहीं ना कहीं लोग इतना खुशी से, आपको क्या लगता है कि जो इनकाउंटर हुआ है ये सही है या गलत? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि देश के लिए सही है, और जुडिशरी को सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए। जिस तरह से कानून की बात हो रही है, तो क्या कानून व्यवस्था इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि लोग इस तरह के अपराध करने से ही डरे? देखिए, अभी मैंने कहा ना कि अगर इसका फैसला फटाफट आ जाए, इस तरीके की घृणित जो कृति होती है, निर्भया के मामले में हुई, आसिफा के मामले में हुई, ये जो हैदराबाद की हमारी बेटी थी उसके साथ जो हुई, इस तरीके की फिर हिम्मत आदमी दोबारा नहीं करेगा। अगर 6 महीने के अंदर कोर्ट से फैसला आने लगे, एक जज अपॉइंट करके तुरंत ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को और फास्ट करना चाहिए। मैं फास्ट कोर्ट को भी नहीं मानता, फास्ट कोर्ट तो चली ना निर्भया के मामले में, अभी 1.25 साल हो गया, कितना साल हो गया उसको इंसाफ मिलते हुए। अभी वो प्रेसिडेंट के उसमें गया हुआ है कि माफ़ी के लिए गया हुआ है एक आरोपी, तो इसको 6 महीने के अंदर जो भी हो, 6 महीने के अंदर इसको फैसला लेना चाहिए, इसको फांसी देना चाहिए। इस तरीके के गंदे अपराध की, बलात्कार करने का, बलात्कार के बाद उसको पेट्रोल डालने का, पेट्रोल डाल के आग लगाने का, आग लगाने के बाद उसको देखने जाने का, मतलब ये कहाँ चल रहा है, देश कहाँ जा रहा है? देखिए, तेलंगाना में ये जो वारदात हुई है ये तो इंतहाई गलत है। किसी भी बच्ची को, किसी भी औरत को
इस तरह जुल्म का शिकार बनाया जाए और इतनी दरिंदगी की जाए कि उसको जला भी दिया जाए, ये इंसानियत के एतबार से भी गलत है, मज़हब के एतबार से भी गलत है, मुआशरे के एतबार से भी गलत है, ये बहुत गलत चीज़ है। और जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है उनको तो सख्त से सख्त सज़ा फांसी पे लटकाना ही चाहिए और उनको संगसार करना चाहिए। लेकिन हर मुल्क का एक कानून होता है, एक तौर तरीक़ा होता है, जिस कानून से मुल्क चलता है उस कानून की एक अहमियत होती है। अब ये इनकाउंटर सुबह आदमी उठता है और देखता है कि ये चारों मुलजिम पुलिस की रिवाल्वर छीन लिए और पुलिस पे गोली चलाने लगे, तो पुलिस वालों ने इनका इनकाउंटर कर दिया। ये तो ऐसे भी समझ में बात आती नहीं है कि वो 302 के मुलजिम हैं, इससे भी बड़े मुलजिम हैं और पुलिस के हिरासत में हैं, पुलिस इनको लेके जाती है और किस तरीके से पुलिस के चंगुल से ये छूट जाते हैं और पुलिस की रिवाल्वर छीन लेते हैं, पुलिस के ऊपर गोली चलाने लगते हैं, ये मुल्क भी जानता है, मुल्क के लोग भी जानते हैं। इस तरीके से अगर पुलिस वाले करेंगे और लोगों को मार देंगे तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। हाँ, इनको फांसी दो, लेकिन अपने मुल्क का जो कानून है उस कानून का पहले फॉलो करो, अदालतें बिठाओ और अदालतों में ये बात साबित करो कि ये मुजरिम हैं, ये गुनहगार हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये कानून नहीं है, फांसी का कानून नहीं है, तो फांसी का कानून बनाओ, फांसी का कानून बना करके इस तरह की हरकत करने वालों को फांसी पे चढ़ाओ। ये तो हम लोग चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। अब अदालत ने तो कुछ नहीं कहा, अभी अदालत इस पर गौर कर रही है। अब वो मुजरिम है, उसने किस तरीके से अपने जुर्म का इजहार किया है, किस तरह से इकरार किया है, ये तो किसी को मालूम नहीं है। हाँ, अगर यही अदालत कह देती कि ये लोग मुजरिम हैं, इन लोगों ने जुर्म किया है, तो इनको अदालत सज़ा देती और ऐसा कानून बन जाए कि अदालत ताबड़तोड़ 8 दिन के अंदर, जैसे और इस्लामी ममालिक के अंदर है कि 8 दिन के अंदर, किसी के यहाँ 4 दिन के अंदर उनको फांसी पे लटका दो ताकि लोग इबरत हासिल करें। अब रात में मार दिए, कोई जाना भी नहीं, कोई देखा भी नहीं, इसमें लोग इबरत क्या हासिल करेंगे, ये लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। और आजकल तो कानून को लोग खिलवाड़ समझते हैं, कोई चीज़ कानून से नहीं चल रही है और बगैर कानून के हिंदुस्तान चल रहा है। कभी रात में गवर्नमेंट बन जाती है, कभी रात में गवर्नर राज हट जाता है, लाकानूनियत है। इस तरह की इस तरीके की अगर हरकतें होती रहेंगी तो ये मुल्क के लिए, इस प्यारे मुल्क के लिए तकलीफ देह होंगी और मुल्क के आवाम को इससे तकलीफ होगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो पुलिस का जो सत्कार किया गया, जश्न मनाया गया, लोगों ने पुलिस को सलूट की कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, और कहीं ना कहीं आप जो है इस पर सवालिया निशान खड़ा किया। हम अच्छा काम किया है, जज्बात है, जज्बात में लोग कहते हैं अच्छा काम किया है। यही काम अगर अदालत करती और कानून के एतबार से होता तो अच्छा नहीं डबल अच्छा होता, और कहते कि हाँ हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि अगर कोई आदमी बलात्कार करता है और किसी को जलाता है तो उसको फौरन फांसी दी जाती है। ये तो पुलिस वाले मारे हैं ना यार, पुलिस वाले तो इनकाउंटर कितना होता है, रोजाना दो चार इनकाउंटर पूरे हिंदुस्तान में होता होगा। यानी आपका कहना है कि इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, इनकाउंटर की जाँच होनी चाहिए और इस तरीके से इनकाउंटर होना भी नहीं चाहिए। जो भी हो, जो भी सज़ा हो वो अदालत के ज़रिए हो। हमारे मुल्क की अदालत इतनी बेहतरीन अदालत है, वहाँ फैसले अच्छे होते हैं, उनके हिसाब से ये मामला हो। और फैसला तो अदालत करती है ना, पुलिस वाले थोड़ा फैसला करते हैं। वो भाग रहा था, मार दिए। अपने मुल्क की कौम आवाम जो है ये भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो हर बात को मान ले। उन लोगों के भी दिल में अभी जज्बात है, मार दिए गए, सबको अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा कि वो लोग दुनिया से ख़त्म हो गए। लेकिन हमको अच्छा लग जाने से हमारे मुल्क की भलाई नहीं है। हमारे मुल्क के ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि आदमी अदालत का बगैर सहारा लिए ऐसे ही किसी की जान को ख़त्म कर दे, उसको उनको तो फांसी होनी ही थी। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था, थोड़ा रुक जाना चाहिए था, और गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वहाँ के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने तो फास्ट अदालत का हुक्म भी दे दिया था, हाईकोर्ट ने भी इजाज़त दे दी थी। तो इस तरीके से अदालत से अगर काम होता तो कौम और खुश होती। बहरहाल ऐसे लोगों को
अपना भी यही दिल चाहता है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए और ऐसे लोगों को मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर जीने का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकाउंटर, ये इनकाउंटर के बारे में मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत दानिश्वरान हैं जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से रात में ले जा करके और ये कहना कि ये हमारे से रिवाल्वर छीन लिए थे इसलिए हमने इनको मार दिया, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। हैदराबाद इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं मगर वहीं पुलिस की सराहना भी हो रही है, इनकाउंटर की जांच की मांग भी उठ रही है। ऐसे में नेताओं से लेकर जनता तक एक आवाज़ उठ रही है, इंसाफ मिल गया है, मगर इस इंसाफ पर भी कई लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।